नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केरांचल टाइम्स। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी डोई पंचायत जो कि मेहरमा प्रखंड में है। वहां से भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि फारूक जी से हमारी बातचीत हुई। क्या कुछ उनसे बातें हुई हैं? आखिर उनकी जो प्रत्याशी हैं, वो क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या सोच है उनकी अपने क्षेत्र को लेकर, अपने अगर वो जीत जाते हैं तो कार्यकाल में ऐसे कौन सी मुख्य बातें हैं या कौन सी ऐसी मुख्य चीजें हैं जिन पर वो ध्यान देना चाहेंगे, ये तमाम चीजों पर हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, मैंने पहला चुनाव 2015 में भी लड़ा था, उस समय मैं सिकंद पे था। जो इस हिसाब से जो है हमारे पंचायत का जो विकास होना चाहिए, जैसे रोड, बिजली, पानी, पेंशन, ये सब जो है ना, मतलब पब्लिक को ये सब सुविधा नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये मन बनाया कि मैं दो पंचायत के विकास के लिए जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे? पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे, जो कि दूसरे स्थान पर थे हम। चलिए, जनता ने दो नंबर पर भेजा जी। ये पूरे 5 साल ना कहें 7 साल के जनता के बीच रहे जी। कोरोना जैसा महामारी आया, क्या किया आप जनता? कोरोना जैसे महामारी ने मैंने जो है क्या कहते हैं कि चावल बंटवाए, सूखा राशन बंटवाए, और जहाँ तक हमसे जो मदद हो सका, मेरे निजी आर्थिक मदद, निजी सहयोग से मैंने वो काम किया। तीसरा सवाल, आपको जनता वोट क्यों करेगी, इसका कारण क्या है? जनता जो है यहाँ पर जो विकास जो नहीं जो होना चाहिए, जो ये 6.5 साल के दरमियान में जो नहीं हो पा रहा है, तो जनता जो है बहुत उम्मीद है कि हम ऐसे योग्य उम्मीदवार को चुने जो कि हमारी समस्या को आला अधिकारी तक वो रख सके और हमारा वो जो है सहयोग हर चीज़ में वो कर सके। जैसे कि हमारे भी दो पंचायत में बहुत ऐसा जो कि मतलब कि वो क्या कहते हैं कि वो बोरिंग जो थी, सिंचाई जो थी, जो हुआ जल मीनार जो भी हमारे दो पंचायत में, हमारे दो मोहल्लों में, एक मोहल्लों में जोगियाचक मोहल्लों में जल मीनार बन के तैयार है, अभी तक जो उसमें जो है कि मोटर तक उसमें सेट नहीं हुआ है, और जो है वो जो ठेकेदार और जो है उसको फाइनल करके उसका फाइनल कर चुका है। ये सब सुधार कीजिएगा जी। मेरे मुखिया बनने के बाद सबसे पहले यही सब चीज़ पे मेरी निगाह। चलिए, अगर आप मुखिया बन गए, जनता ने जिता दिया, तो इस पंचायत के लिए 10 काम क्या क्या करें? सड़क है, नाला है, उसके बाद जो है इंदिरा आवास है, पेंशन है, चापाकल है, शौचालय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब में। चलिए, आप तो काम गिना दिए जनता को, मैं सब कर दूंगा, लेकिन किस पंचायत, इस पंचायत के किस गांव में सड़क की समस्या है और कहां कहां है वो बताइए जनता को, हम यहाँ यहाँ सड़क बनाए। हर गांव में तो कुछ ना कुछ तो सब बहुत ऐसी समस्या है सड़क की, जैसे डो में भी सड़क की समस्या है। अभी जो आप जो आए हमारे इस गली में जो आए, जो देख लिए रोड की क्या स्थिति है, ये सब सुधार करवाएं। जनता के बीच जाते हैं तो क्या अपील करते हैं? जनता के बीच में मैं हमेशा रहता हूँ और मेरी यही है कि जिस तरह हम लोग जो भी काम जो भी है, जो भी अगला नहीं कर पाए, उसको हम लोग सब उसका मिलजुल कर विकास करेंगे। जातिवाद होगा? देखिए, इसके खिलाफ, इससे तो मैं बहुत खिलाफ हूँ जी। इस चीज़ से मेरा यही चीज़ मेरा कहना है कि यहाँ के आवाम से, यहाँ के जनता से, देखो भैया, अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो हमको वोट मत करना, ठीक है, मगर ये एक दिन के लिए, एक रात के लिए ये सब जातिवाद मत। अच्छी बात है। अगर हम पसंद है तो हमको वोट करना, नहीं है तो नहीं करना। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ फारूक आजम, मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि दो जी। इस पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? इस पंचायत का मुखिया काम करने वाला होगा। नाम? नाम आप वोट देंगे उनको? हाँ।
आपका समर्थन मिलेगा? आपका समर्थन मिलेगा इंशाल्लाह। आपका नाम क्या होगा भाई साहब? मेरा वही नाम लखवा। इस पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? आप वोट करेंगे? आपका नाम मतलब मोहम्मद कुमार आलम। इस पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? फारूक भाई जैसा। इनसे समस्या इस पंचायत में समस्या क्या क्या? इसमें क्या समस्या है? रोड है, यही सब है। क्या रोड मतलब? इस बार किनको जिताएंगे आप? रोड बना हुआ है, फारूक आजम को जिताना है। जिताना है पक्का? एकदम पक्का। रोड बना हुआ है? रोड बना हुआ है। रोड कहाँ बना हुआ है? नहीं बना हुआ। आप देख रहे हैं गाड़ी लेकर आए तो? हाँ, हम तो देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं गाड़ी लेकर आए तो? देखिए आपसे सवाल कर रहे हैं। बना हुआ है? ये नहीं बना हुआ। नहीं बना। ये मुखिया जीतेंगे तो बनाएंगे ना? कंफर्म? आप वोट करेंगे? हाँ वोट देंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।